सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और वी आर ऑल सेट फॉर अनदर एडवेंचर। आज का एडवेंचर ऐसा है क्योंकि जो डे वन में हमने किया था नॉन स्टॉप 1100 किलोमीटर, आज हम करेंगे भूज से घर के लिए, वसई के लिए, जो कि होगा 850 किलोमीटर। तो गाइस, हमने जैसे बताया कि हम लोग यहाँ से भी निकल गए हैं भूज से, और टारगेट आज का टारगेट है 850 किलोमीटर। तो गूगल हम 5:30 बजे निकल गए थे, निकलने का प्लान था 4 बजे का, लेकिन वो तो होता ही, 1 घंटा हम लोग एक्स्ट्रा पकड़ के चलते, तो 5:30 बजे गए निकलते निकलते। और गूगल के हिसाब से, गूगल के सारे कैलकुलेशन हिसाब से हम लोग 8:30 बजे रात को अपने घर होम स्वीट होम पहुँचना चाहिए। तो फाइनली अभी सनराइज ऑलमोस्ट हो जाएगा, और आगे का नज़ारा जो है ना, जो सिटी जो है वो जो ऑरेंज येलो ऑरेंज दिखता है ना, उसका नज़ारा अलग होता है, वो नज़ारा रोज रोज देखने नहीं मिलता। ये क्या है बे, ये तो मूवी जैसा जैसा ना शॉटगन था, शॉटगन उस तरह का दिखता है, लेकिन कितना रिस्की, देखो ना वो सब चैन से बांधा है, अगर चैन टूटा तो आधे उधर जाएंगे आधे उधर जाएंगे, बीच में कुछ नहीं बचेगा। हाथ ना एकदम ऐसे जकड़ गए, काम ही नहीं कर रहे, इतना ठंडी है, और सामने का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। सो फाइनली अगर मेरे सामने आप देख सकते हो तो सूरज का गोला ऊपर आ गया है, तो फाइनली सनराइज हो गया है। और अभी जितना चाहे उतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। चला वो नेशनल हाईवे 341 जो भूज से बचाओ जो भी जगह है, वो साला हालत बहुत ही ख़राब थी। अराउंड 65-70 किलोमीटर का पैच बहुत ही गंदा था, बहुत मतलब बहुत गंदा था, हमें बहुत टाइम लगा वो क्रॉस करने के लिए। और अभी जस्ट भगाना है, जैसे अहमदाबाद पहुँचेंगे तो अहमदाबाद के बाद जो चुम्बेश्वरी रास्ते हैं, इसने भी कांड कर दिया लगता है पीछे। ये सारे लेफ्ट साइड वाले गांडो थे गए हो, एक तो गलत साइड में एक बाइक वाली लाइन में घुसा दिया, और हमें वो ट्रक वाली लाइन पे आना पड़ा, उसको वो मशीन यहाँ लेके आना पड़ा। देखो हद है यार, ये कहाँ आ गए हम, ये कुछ अनोखा अनूठा ब्रिज लग रहा है। क्वेश्चन, ये तो लद्दाख की याद दिला रहा है मुझे, लद्दाख में ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस है। ये देख कैसे बैठा है, एकदम कूट कूट के भरा है, देखो कैसे बैठा है, ऐसे लग रहा है कि मंकी पेड़ पे टंगा है लग रहा है। तो चलो, इस राइड का फाइनल लंच हो गया हमारा, क्या नाम है इसका, किस्मत। यहाँ का एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, 100 रुपये दो, 120 रुपये दो, और अनलिमिटेड थाली, जितना खाना है जितना खाओ। तो बस ख़त्म, आज ट्रिप ख़त्म हो जाएगी, और ट्रिप का ये लास्ट लंच था। ओके, तो चलो सोचा चलो काठियावाड़ी ट्राई करते, तो काठियावाड़ी का अभी यहाँ से मैप भी मैंने निकाल दिया कि मैप की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से वडोदरा है अराउंड 30 किलोमीटर, और वहाँ से फिर सीधा निकलना है, कोई मैप या कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी अनलिमिटेड खाना इतना ठूस लिया है कि हो सकता है हमें थोड़ी नींद आ जाए, अगर नींद आती है तो भी चाय की चुस्की लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ नेशनल हाईवे 48 NH 48, जो हमारा सबका फेवरेट है। अभी इस रास्ते पे सीधा जाओगे तो अपना डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो राइट साइड में जो है वो है नर्मदा ब्रिज, द फेमस नर्मदा ब्रिज। तो हम जब रात आते हो यहाँ से गए थे तो बहुत अंधेरा था, हम ऑलमोस्ट 2-3 बजे यहाँ से पास हुए थे, बहुत अंधेरा था, सोचा था आते वक्त वहाँ से कैप्चर करेंगे, लेकिन लफड़ा हो गया, हमें पता ही नहीं था कि वो सिर्फ वन वे वाला रोड है जहाँ से वो दिखता है। अब
जस्ट उस ट्रक का देखो जोर से टायर फटा होगा, दिख रहा है नीचे आपको, थोड़ा इतना डर लगा ना, फटाक से आवाज आया, फटाक से थोड़ा डर गया मैं। डायरेक्ट फेस पे आ रहा है, जबरदस्त ना, मस्त टकरा दिखा, डायरेक्ट सनलाइट सन पे चेहरे पे आ रही है। तो कल से वापस आप रूटीन चालू हो जाएगा बस, और फिर देखते हैं वापस से कभी और प्लान होता है। और बाय द वे मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, मैं एक स्पेशल बोलना चाहूँगा, लेकिन रुको इधर आ जाओ। हाँ मैं आपको एक स्पेशल बोलना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये जो है मैंने राइड किया था जो मेरे पास रॉयल एनफील्ड थंडर बर्ड 250 है, ये हो सकता है कि ये जो है ये मेरी इस बाइक पे लॉन्ग राइड होगी, लास्ट फाइनल लॉन्ग राइड होगी, क्योंकि एक स्पेशल बाइक आ रही है, माय फर्स्ट ड्रीम बाइक ही बोल सकते हो, मैं फर्स्ट प्रीमियम बाइक की जस्ट कमिंग सून बुक हुआ है बाइक मैंने, अभी रिवील नहीं करूँगा, जब डायरेक्टली आ जाएगा तो डायरेक्टली आएगा डिलीवरी के टाइम मैं आपको दिखाऊंगा उसका डिलीवरी। तो एक वापस से वीडियो आएगा टेकिंग डिलीवरी ऑफ माय फर्स्ट प्रीमियम बाइक, क्योंकि हमारा भी सपना है भाई कि मेरे पास एक एडवेंचर बाइक हो, उसके दोनों साइड पैनियर्स हो, पीछे टॉप बॉक्स हो, और हम चले जाए पहाड़ों में ऑफ रोडिंग करने, ये मेरा सपना है। तो उसी सपना पूरे करने के लिए मैंने एक एडवेंचर बाइक बुक कर दी है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा। और एक सबको बताना रह गया, फाइनल डे पे इस बाइक ने मुझे बहुत परेशान किया, मगर अब मेरे बाइक का आवाज़ अगर सुन रहे हो तो उसकी फटफटी बन गई, फटफटी। इसका रीज़न ये है कि जो एग्जॉस्ट है जो इंजन को कनेक्ट हुआ है वहाँ से पूरा निकल गया है। मैंने बाइक लोकल गैरेज को बताया तो उसने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा। तो अभी कल जाके कल परसों जाएंगे, जैसे छुट्टी मिलेगी देखते हैं उसकी फटपटी को अपना वापस से बाइक, पुराना वाला बाइक का एग्जॉस्ट साउंड लेके आएंगे। ये सन सेट इतना अच्छा दिख रहा है कि इसको बस कैप्चर करते ऐसा मज़ा आ रहा है, देखो मस्त लग रहा है, सूरज का गोला मस्त दिख रहा है। अरे कितने डर वजन है भाई अभी, और चलिए तो बस बहुत बहुत बकबक कर ली, अभी बस मैं भी शांति से घर पहुंच जाता हूं और ये व्लॉग को यहाँ एंड कर लेता हूं। तो मेक श्योर मुझे अब ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहना, क्योंकि मैं अभी भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ हूं, पहले इतना एक्टिव नहीं था। तो मैं मेरी डेली जो प्लानिंग रहेगा ट्रैवल का उसमें भी इंस्टा पे अपडेट करता जा रहा हूँ, स्टेटस अपडेट कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो करो, कि वहाँ आई एम गोइंग टू अपलोड अच्छे अच्छे फोटोज एंड स्टोरीज, ठीक है। तो बस दैट्स इट, हम अब तक अलविदा लेंगे और एक मैसेज देंगे कि अभी जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन जो करना चाहते हो एक्चुअल लाइफ में जो अच्छा लगता है उसका थोड़ा टाइम निकालो बिजी लाइफ में से, और मेरे जैसा अगर अच्छा लगता है तो भटकते रहो। तो फाइनली अपना ये सफ़र यहाँ कंप्लीट होता है, उत्तम भाई का एग्जिट आ गया, उनका स्टेशन आ गया, अपना हमारा स्टेशन अगला स्टेशन है। चल भाई मिलते हैं लेक साइड पे, हाँ दुआ में याद रखना। हाँ ये देखो ये चेक चेक, एक मिनट रुको, फटफट दिखा देना, आवाज फटफट फटफट फटफट, हमारी फटफटी बन गई। चलो सर्विस सेंटर पे दिखाना पड़ेगा। तो एनीवे भाई टेक केयर, हाँ राइट सेफ एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट। चलो चलो चलो, हाँ भटकते रहो, अभी मेरा तो टैगलाइन बन गया, भटकते रहो, चल चल। तो हमारे उत्तम भाई निकल गए नीचे से, उनका एग्जिट आ गया, हमारा एग्जिट नेक्स्ट एग्जिट है। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू लोकेशन, न्यू राइड प्लान, एंड एज ऑलवेज भटकते रहो।